नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है हरीश और आप देख रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक्स वर्मा। तो दोस्तों, आज हमारे पास है ये जो हमारा मोटर स्पीड कंट्रोलर आता है वो कुछ इस तरीके से होता है, देखिए। और यहाँ पर क्या है कि हम कोई भी 1 वोल्ट से लेकर और 15 वोल्ट तक की कोई भी मोटर को कंट्रोल कर सकते हैं। तो यहाँ पर इसके कनेक्शन हमें इस तरीके से दिखाई देते हैं, देखिए मोटर का माइनस और प्लस, और यहाँ पर जो पावर सप्लाई है वो माइनस और प्लस, यानी कि 1 वोल्ट से लेकर 1.7 वोल्ट है उससे लेकर और कोई भी हम 15 वोल्ट तक की जो मोटर है उसको कंट्रोल कर सकते हैं 30 वाट के अंदर, यानी कि जो 30 वाट का कोई भी मोटर है। और ये जो रेगुलेटर है ये हमेशा याद रखें, ये DC रेगुलेटर है, इसके अंदर AC मोटर का कोई काम नहीं है, ये सिर्फ ओनली जो हमारा DC कंट्रोलर है ये वही है। अब यहाँ पर क्या है कि ये जो वॉल्यूम कंट्रोल है इसके अंदर, जिससे हम कंट्रोल करेंगे, इससे हमारा ऑन ऑफ स्विच भी काम करेगा। ये पीछे ऑन ऑफ स्विच है, आगे हमारा कंट्रोलर है। तो इसमें कुछ इस तरीके से आवाज़ आती है जब हम इसे चालू या बंद करते हैं। और यहाँ पर जब हम इसकी पैकिंग को लेंगे तो पैकिंग में हमें कुछ इस तरीके से ये मिलेगा। ये देखिए, यहाँ पर हमें एक नॉब मिलेगी, एक वार्सल मिलेगा और एक इसका स्क्रू मिलेगा यहाँ पर लगाने के लिए, जैसे हम किसी बॉडी वगैरह में इसको लगाना चाहते हैं। तो इसको साइड कर देते हैं। और अब मैं यहाँ पर टेस्टिंग के लिए ले रहा हूँ एक लिथियम बैटरी। आप चाहे तो कोई भी 12 वोल्ट की जो मोटर है उसका भी यूज कर सकते हैं। और एक 4 वोल्ट की यहाँ पर एक मैंने मोटर ले रखा है, अब इसको हम टेस्ट करेंगे। तो टेस्ट करने के लिए यहाँ पर क्या करेंगे, जहाँ पर ये पावर सप्लाई लिखा हुआ है तो वहाँ पर हम प्लस लगा देंगे, जो प्लस की जगह पे है, माइनस की जगह पे माइनस को लगा देंगे। अब ये देखिए, दोनों कनेक्शन करने के बाद हम स्क्रू को कर देंगे टाइट, जिससे कि वायर हमारी लूजिंग ना हो। अब जैसे ही मैंने इसमें पावर सप्लाई लगा दिया तो यहाँ पर क्या होगा, इसको एक बार चालू करके देख लेंगे। ये देखिए, यहाँ पर रेड कलर की जो लाइट है वो ग्लो होती है, और जब हम इसको मंदा या तेज करते हैं तो वो लाइट भी अप या डाउन होती है, देखिए। अब यहाँ पर मैं इसे बंद कर देता हूँ। अब मैं इसमें मोटर के भी कनेक्शन कर लेता हूँ। तो मोटर का कनेक्शन भी वैसे ही होगा, यहाँ पर इसका प्लस जाएगा जो प्लस साइड है, और यहाँ पर इसका माइनस जाएगा। ये देखिए, इन दोनों के भी कनेक्शन हो गए हमारे, और स्क्रू को हम कर लेते हैं इसमें टाइट। ये देखिए, ये हमारे स्क्रू टाइट हो गए। अब ये मोटर देखिए आप, इस तरीके से ये मोटर है। और मैं इसको अब धीरे धीरे जो है यहाँ से रेगुलेटर को पहले ऑन करता हूँ। ये देखिए, रेड लाइट जो यहाँ पर चालू हो गई, और धीरे धीरे इसको देखिए घुमाता हूँ। ये देखिए, मोटर हमारी देखिए अभी धीरे धीरे चल रही है। अब देखिए, जैसे जैसे ही मैं इसकी स्पीड बढ़ाऊँगा, ये देखिए वैसे वैसे मोटर, तो आपने देखा कुछ इस तरीके से ये मोटर काम करती है। अब देखिए, बिल्कुल स्लो में चल रही है, और इसको हम स्पीड या कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर कोई ऐसा प्रोजेक्ट आप बना रहे हैं, वहाँ पर आपको अगर स्पीड कंट्रोलर की ज़रूरत है, जो मोटर को आप कंट्रोल करना चाहते हैं, तो ये वाला जो है आप सर्किट ले सकते हैं। दोस्तों, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगा, वहाँ से जाके आप इसको जो है परचेस कर सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो अगर अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और बेल के आइकन को जरूर दबाना। मैं आगे भी आपके लिए ऐसी ही जानकारी लाता रहूंगा।